सांझा चूल्हा रसोईया संघ की महिलाओं द्वारा अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 8 दिनों से पुराने थाने के सामने धरना दिया जा रहा है। संघ की महिलाओं की प्रमुख मांग है कि हमारा वेतन 2000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए किया जाए, दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए, प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख के बीच में हमें वेतन दिया जाए, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में भोजन पकाने की दर तथा खाद्यान्न बढ़ाया जाए। इसी के साथ अन्य मांगों को लेकर धरना जारी है। सोमवार को धरना स्थल पर पूर्व विधायक कैलाश कुंडल तथा पूर्व विधायक कांग्रेस नेता दीपक जोशी धरना स्थल पर पहुंचे तथा समूह के महिलाओं को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। आपकी क्या मांग है और आप कब से धरने पर बैठे हैं? हमको आज 7 दिन होगा, 1 तारीख से बैठे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारा यही मांग है कि हमारे पैसे बढ़ाया जाए। 2000 में काम कर रही भाइयों, हमको 6000 की मांग है। सुबह 8 बजे आ जाती है भाइयों स्कूल में, 4 बजे तक रुकती है स्कूल में। 2000 में क्या होता है? तो अभी तक आप 1 सप्ताह से बैठे हैं, तो कोई अधिकारी वगैरह कोई आए आपके पास? कोई नहीं आए। आज पप्पू भैया आए थे कुंडल जी। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हम जो हमारा को पेमेंट बढ़ाएगा वही होगा। आप तो कोई भी बढ़ा सकते हो भले। अच्छा, आप लोगों के हड़ताल पे जाने के बाद स्कूलों में समस्या तो पैदा हो ही होगी? स्कूल में समस्या हो रही है, टीचर उन बोल रहे हैं, बोले खाना बनाओ, पर हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हड़ताल पे है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।